जनाब बड़ी अहम तरीन बात है, कर्नल फरीदी का नया पार्ट चांदनी का धुआं का। बस हम दोनों ही एक ही तकिए पर सर रखे हुए थे, मरून की टांगे उतर कर की तरफ और मेरी तारे दक्कन की तरफ, यानी कि यूं कासिम बताते बताते लेट गया। फिर बोला बस ये इधर लेटे थे और हम दोनों की कोटियाँ मिलेंगी थी, ए आओ तुम भी लेट के दिखा दो। आसम ने कुछ और ज़्यादा मोहन है तो मेरी समझ में आ गया। फरीदी ने कहा और आसम को बाहर से नहीं कहा सर, हम दोनों को बाहर जाते देख कर कासिम खुश हो गया। हमारे देवों को ज़्यादा मज़ा आ गई थी कि मैं भी चलो उसने पूछा। फरीदी ने उसकी तरह मुड़े बाहर कहा नहीं और बाहर चला गया। जेबा चुपचाप बैठे रही, कासिम की समझ में नहीं आ रहा था किस किस्म की वो सोचे थे। पहले तो उसे खुश हुई थी कि लोग जा रहे हैं वो जी भर गए, इससे बातें बढ़ेगा। हमारा अखल खत हो गया रह गई थी बाप के काम। उसने कहा था नाम जेबा जी, ये भी उसने छिचाते हुए और शर्मिले अंदर में कहा था जी जहाँ मुझे 500 रुपये उधार दे सकी मैं मर गया था। मेरा जी चाहता है कि आपको रजबरी बेगम कहूँ। कासिम ने सर झुकाकर अपना दाना हाथ बाया हाथ मंडोड़ते हुए जेबा, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी से चक से लटका दिया। जो दिल चाहिए जी जेबा मस्त कराए तो मैं आपको बुला दूँगा, 500 रुपये देंगे ना। 500 क्या, मैं 5000 भी दे सकता हूँ, आसम ने कहा। तारी को ले बातें नहीं, मैं अल्लाह का समय बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यकीन ना है तो कर्नल साहब से पूछ लो। आसम ने कहा वो भी तक अपने दाने हाथ से पाए हैं हाथ मोड़े जा रहा था। ये कर्नल साहब कौन है? अरे आप कर्नल को नहीं जानते, कर्नल फरीदी सी आई डी वाले, वो थे कर्नल फरीदी थे। जेबा की आँखें हैरत से फैल गई और वो हमीद भाई थे जिन्हें वो खोपड़ी छोट कर गई। मेरे खुदा तो आप वही हैं जिसका प्रतिकारा मैं फराजों में पहले भी सुन चुकी हूँ, बहुत दिनों की बात है। मतलब टेकम खेल में गौरव के भूतों वाला किस्सा होता है। हाँ हाँ और क्या, काफ़ी कुछ होकर बोला। मैं बोलूँगा अरे बाबरे बड़ी तेज़ी से उत्तर गए जाकर दुखों और उसका फिर जमीन से टकराया। इस बार मेरे हाली में उसने बाया हाँ ज़्यादा ज़ोर से मड़ोड़ दिया। अरे क्या हुआ जेबा उसकी तरह चक्कर कुछ नहीं, कुछ नहीं पास सीधा होकर छेपती और सीधे साथ बोला। अक्सर हो जाता है क्या हो सकता है। पार्ट एंड।